ये नाश्ता देखने में जितना बढ़िया दिख रहा है, खाने में और भी मज़ेदार है, बनाना उससे भी आसान है। तो आज हम मुरमुरे का इतना मज़ेदार, ऐसा क्रिस्पी नया नाश्ता बनाएंगे जिसे आप एज अ स्नैक भी सर्व कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। घर में पड़े थोड़े से चीज़ों में बन जाता है, जिसे खाने के बाद सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस आसान मज़ेदार नाश्ते को आज हम मुरमुरे से बनाएंगे, जिसे फरी भी बोलते हैं। तो एक बोल में डाल दीजिए मुरमुरे 2 कप, और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं और मुरमुरे को धो लेंगे। तो पानी में आपको फुलाना नहीं है, बस इस तरीके से भिगो के हम छान लेंगे। तो स्ट्रेनर रख के छान लें और स्ट्रेनर पे ही मुरमुरे को 2-3 मिनट के लिए रहने दें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 1/4 कप बेसन, टेबलस्पून के नाप से 3 बड़े चम्मच, साथ ही डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार मिला लें और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और गाढ़ा सा बैटर तैयार करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमें बैटर को बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। तो अभी मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना डालें। तो लीजिए सूजी बेसन को मिला लिया है, इसी तरीके से 2-3 मिनट के लिए रहने दें ताकि फूल जाए, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हम ये चटनी की तैयारी कर रहे हैं। तो चटनी जार में डाल दीजिए 2 बड़े चम्मच फुटाना, जिसे रोस्टेड चना भी बोलते हैं, दलिया। साथ ही डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली को भून के छिलका निकाल दिया है। तो कई बार फुटाना नहीं होता है दोस्तों, तो फुटाना के बदले आप नारियल का बुरादा यानी कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल दीजिए 2 हरी मिर्च, 3-4 लहसुन, 1 इंच अदरक, नमक स्वाद अनुसार, चटपटा स्वाद के लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस, आप 1 चम्मच दही भी डाल सकते हैं, 1/4 कप धनिया पत्ती, 2-3 चम्मच पानी डालते हुए चटनी को पीस लें। लीजिए चटनी को पीस लिया है, कितना प्यारा कलर आया है। एक बोल में निकाल लीजिए, थोड़ा पानी डालते हुए हम चटनी को निकाल लेंगे। तो टोटल मैंने 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया। और अब हम चटनी पे तड़का लगाएंगे। तो तड़का पैन को मैंने गरम कर लिया है और 1 छोटी चम्मच ऑयल डाला। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 5-6 करी पत्ता और 1 लाल या हरी मिर्च। तो लीजिए तड़का तड़क चुका है, चटनी पे डाल दें। तो बहुत ही आसान तरीके से टेस्टी चटपटी चटनी तैयार है, जिसे आप किसी भी प्रकार के स्नैक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस रेसिपी के साथ जब ये चटनी खाएंगे तो स्वाद दुगना हो जाएगा। आपने देखा कितने सिंपल तरीके से फटाफट हमने बना लिया। चलिए चलते हैं अपनी मेन रेसिपी की तरफ। इधर सूजी बेसन को फूलते हुए 2-3 मिनट हो चुका है और देखिए बैटर और भी गाढ़ा हो गया है। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, हल्दी ज़्यादा ना डालें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, बिल्कुल भी गरम मसाला ज़्यादा ना डालें, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक, तीखा आपको ज़्यादा पसंद तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, 2-3 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब 4-5 बारीक काट के करी पत्ता डाल दें, 1 छोटे टुकड़ों में कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच धनिया पत्ती, सभी चीज़ों को मिला लें। तो हमने चाट मसाले का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए नमक हिसाब से डालें, और नमक डाला है इसलिए प्याज से भी जूस अलग होगा, तो मिक्स थोड़ा पतला हो जाएगा। तो लीजिए मिला लिया है। मिलाने के बाद हम लास्ट में डाल देते हैं ये फुला हुआ मुरमुरा यानी पफ्ड राइस। तो रेस्ट पे रखा है ना, तो देखिए बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं और कितने खिले खिले से हो गए हैं। तो बस हम मिला लेते हैं। तो घर की बेसिक सी चीज़ों पे बनने वाला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता है, जिसे आप ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक के रूप में या मेहमानों को बना के फटाफट खिला सकते हैं। तो बहुत अच्छा हाथों से मिलेगा, तो हाथों से मिला लें। तो लीजिए मिला लिया है। तो मिनटों में नाश्ते का बैटर तैयार हो जाता है, लेकिन अगर आप पहले से मिक्स को बना के रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि नमक जब नाश्ता बनाना हो तभी मिलाइएगा, वरना मिक्स गीला हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात, आपको बिल्कुल भी ना पानी ज़्यादा डालना है और ना ही बेसन। अगर गलती से
पानी आपने ज़्यादा डाल दिया तो वैसे में आप एडजस्ट करने के लिए एक चम्मच बेसन डाल दीजिए। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और थोड़ा मिक्स हम हाथ में लेते हैं और लड्डू की तरह बाइंड कर लेते हैं तो बिना बिखरे बिना चिपके बहुत ही आसानी से गोल हो जाएंगे। तो करीब डेढ़ बड़ा चम्मच मैंने मिक्स लिया है और अब दूसरे हाथ पे रखते हुए हम हथेली से दाबते हुए फैला लेंगे। इस प्रकार दो उंगली के बीच रखते हुए हम टिक्की के जैसा गोल आकार कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है, है ना, बहुत ही आसान। तो बस प्लेट में रख लें, बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा मिक्स लेते हुए इसी प्रकार सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो आप चाहे और भी छोटे आकार में बना सकते हैं। तो लीजिए हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है, कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो चलिए अब हम पका लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप टिक्की का आकार नहीं देना चाहते तो गोल गोल बॉल्स की तरह भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, तेल गर्म हो चुके हैं, बहुत धुएँधार बिल्कुल भी हम गर्म नहीं करेंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम करेंगे। आप चाहें तो बहुत ही कम तेल में भी इस नाश्ते को उलट पलट के सेक सकते हैं या फिर डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो एक एक करके डालें तो देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं। तो हम दो बैचेस में फ्राई करेंगे। तो सूजी बेसन का पकना भी ज़रूरी है इसलिए फ्लेम को लो टू मीडियम रखें और इसी तरीके से दो से तीन मिनट तक फ्राई होने दें। तो लीजिए दो मिनट हो चुका है और बहुत ही अच्छे से देखिए नीचे से सेट हो गए हैं और लाइट गोल्डन कलर भी आ गया है। तो बस पलटी कर लें। तो जब लाइट गोल्डन कलर हो ना तभी पलटी पलटी करें। तो मुरमुरे से बना हुआ ये नाश्ता काफ़ी देर तक क्रिस्पी लगेगा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। हम दूसरी तरफ से भी दो मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल भी लो फ्लेम या फिर हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा। तो लीजिए दूसरी तरफ से भी प्यारा सा कलर आ चुका है। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो कितना मज़ेदार देखने में ही लग रहा है और नाश्ते का टेक्सचर कितना बढ़िया आया है। सबसे अच्छी बात ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं होते हैं। तो बस इसी तरीके से हम सेकेंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम नाश्ते को सर्व कर लेते हैं। लीजिए दोस्तों तैयार है मुरमुरे से बनने वाला बहुत ही आसान टेस्टी नाश्ता जो फ्लेवर से तो भरे हुए है ही साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगने वाले हैं। साथ में हम ये टेस्टी मज़ेदार चटनी को भी सर्व कर लेते हैं। साथ में मैंने टमाटो केचप भी बच्चों के लिए रखा है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके सात पीस नाश्ते बन जाएंगे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो चार कप पोहा लीजिएगा और बेसन सूजी को आधा आधा कप लीजिएगा। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो जब मेहमानों को बना के खिलाएंगे ना तो सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और आपका नाश्ता चटनी कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं तो जब सर्व करना हो तभी फ्राई करें। तोड़ के दिखाती हूँ, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे हुए हैं और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दोस्तों अभी तक आपने मुझे यूट्यूब चैनल श्यामली किचन, ऐप पे श्यामली किचन, इंस्टाग्राम श्यामली किचन पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इच्छा हो तो फॉलो करें और नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, ठीक है।